क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, टू में डाउट, थ्री में डाउट, फोर में. मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस ऑफ पावर 20 डायोप्टर एंड -4 डायोप्टर. तो एक कन्वेक्स है, एक कंकेव है, तो नेट पावर क्या होगी? P1 + P2, तो ऐड करके आपके पास 16 डायोप्टर आएगा, कन्वेक्स बनेगा. इफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 25 है. ये जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है कभी यू नहीं होता, याद रखना, ये हमेशा वी होता है. तो फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है? वी क्या है? 25 है. कैलकुलेट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई. एक काम करते हैं, पहले हमने क्या निकाली? अफेक्टिव पावर निकाल दी, इसका रेसिप्रोकल लिया, तो अफेक्टिव क्या आ गई? फोकल लेंथ आ गई, टोटल फोकल लेंथ आ गई. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का? जब इमेज इन्फिनिटी में नहीं, लीज डिस्टेंस पे बनती है, मैग्निफिकेशन 1 + d/f होता है. डी आपको 25 के बने, फोकल लेंथ आपने निकाल ली, यहाँ से क्या आ गई? मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होती है? साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का साइज पता है, तो वहां से सॉल्व करके इमेज का साइज कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. ठीक है यहाँ तक? तो पहले क्या निकलेगी? मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेना, और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ये रहा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना चाहता हूँ. कितनों का हो गया वैसे? इसमें ना आपको ये लिख लें, मैंने रेड में लिखा हुआ है तो मिसिंग है. इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी के लेके सॉल्व करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर डिस्टिंक्ट विजन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसके दो आंसर आ जाएंगे. इसे मेंशन नहीं किया कि सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा केस का सॉल्व करना है. अगर कुछ मेंशन ना हो तो आप प्लीज़ इन्फिनिटी का केस ना करें, आप 25 सेंटीमीटर लेके सॉल्व करें. तो आप लेके चलें इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो पहले केस में क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5. तो आपको कन्वेक्स लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ 5 गिवन है, एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -5 डायोप्टर. कन्वेक्स की फोकल लेंथ पता है, कनकेव की पावर पता है, तो यहाँ से फोकल लेंथ भी आ गई, यानी कि दोनों की फोकल लेंथ पता है. तो पहला रूल क्या है? हम दोनों फोकल लेंथ से हम कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल लेंगे. एक कन्वेक्स है, एक कनकेव है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आएगी 20/3. क्या है पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मान लो आपने निकाल ली. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है इफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 20. वैसे मैंने लिखना नहीं चाहिए था, मेरे को इन्फिनिटी का केस लिखने की जरूरत ही नहीं है. वो हिंट दे ही रहे कि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 की जगह 20 है, तो यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ग्लास क्या होगी? तो मैग्नीफाइंग पावर में मेरे को फॉर्मूला लगाना चाहिए 1 + d/f का, ये फॉर्मूला लगाना चाहिए. अब मेरे को फॉर्मूला लगाना चाहिए m का, इसके बाद m इज इक्वल टू 1 + d/f. तो मैग्नीफिकेशन 1, लीस्ट डिस्टेंस यहाँ पर 20 गिवन है, अफेक्टिव फोकल लेंथ यहाँ पर क्वेश्चन में 20/3 है. सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या जाएगा? 4 आंसर है. ये 4 आंसर है, इसका बिल्कुल सही है. तो इन्फिनिटी का केस ना करें, लीस्ट डिस्टेंस का केस करें. इन्फिनिटी पे करेंगे तो एक कम आएगा, आंसर 3 आएगा, 4 की जगह 3 हो जाएगा, और वैसे 4 है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट. इसके अंदर 6th क्वेश्चन के अंदर डाउट, इसमें 6th क्वेश्चन के अंदर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए इज 1.25 लेस देन दैट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बी. वो कह रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर बी की और ए की कम है बी से बाय एन अमाउंट ऑफ 1.25. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी बी की पावर आपको पता है, तो यानी कि बी की फोकल लेंथ भी पता है. बी की फोकल लेंथ क्या जाएगी? 1/25. तो आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी है ए की, यानी कि आपको फोकल लेंथ निकालनी है ए की, इसका रेसिप्रोकल पावर देगा आपको. आपको मैग्निफिकेशन का कोई मर्जी फॉर्मूला लगा लें, चाहे लीस्ट डिस्टेंस वाला लगाएं या इन्फिनिटी वाला लगाएं, कोई फर्क नहीं है. मान लो मैं ये लगा देता हूँ, तो 1 + d/f(b) -1 + d/f(a) इज इक्वल टू 1.25. तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें? 25. तो आपको d की वैल्यू कितनी गिवन है? 25. d की वैल्यू कितनी गिवन है? 25. फोकल लेंथ आपको b की पता है, सॉल्व करके किसकी फोकल लेंथ आ जाएगी? a की फोकल लेंथ आ जाएगी आंसर. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?
कोई डाउट इसमें? ए की फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड. नेक्स्ट है सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट. ठीक, नेक्स्ट 82 शीट के बाद शीट नंबर 83 थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कितने लोगों ने सॉल्व किया वैसे ये किया? ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट, सेकंड क्वेश्चन में डाउट, थर्ड क्वेश्चन में डाउट. थर्ड में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो एफ ओ पता है और एफ ई भी पता है, एफ ओ पता है, एफ ई पता है. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, तो इन शॉर्ट मुझे क्या पता है? यू ओ पता है. तो मेरे को यू ओ की वैल्यू पता है. वॉट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई द माइक्रोस्कोप, ये निकालना है. और डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मुझे गिवन है. अब मेरे को पता है कि इसमें डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोल रहा है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. इन्फिनिटी वाला केस नहीं लगाएंगे, लीस्ट डिस्टेंस वाला लगाएंगे, क्योंकि डी की वैल्यू गिवन है. तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? ये फॉर्मूला पता है. अब इस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए? आपको वी ओ चाहिए, आपको डी चाहिए, डी तो गिवन है 25, आपको फोकल लेंथ चाहिए, वो भी गिवन है. अपने को सिर्फ क्या चाहिए? वी ओ चाहिए. तो आप एक काम करें, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आपको यू ओ पता है -6, आपको फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की पता है कन्वेक्स की 4 सेंटीमीटर, तो 1/VO -1/UO इज इक्वल टू 1/FO की वैल्यू से क्या आ जाएगा आपके पास? वी ओ आ जाएगा. गिवन गिवन वी ओ आ गया, वी ओ आ गया, यू ओ तो गिवन ही है, डी पता है, एफ ई पता है आंसर. मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे मिसिंग वैल्यूज को लेंस के फॉर्मूला से कैसे निकालना है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट. क्वेश्चन नंबर फोर में आपको गिवन है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज गिवन. तो फिर से एक बार एफ ओ पता है, आपको इसमें एफ ई भी पता है. फाइंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या निकालना है? यू ओ निकालना है. ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर है ऑब्जेक्ट? यू ओ निकालना है. टू ऑब्टेन एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी. तो अपने को क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है. नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, इससे पहले एक और काम करना पड़ेगा. इन्फिनिटी के केस में मेरे को निकालना क्या है? इसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू ओ निकालना है. तो सिंपल लॉजिक है, अगर मैं एक ऑब्जेक्टिव का लेंस लूँ, मेरे को यू ओ निकालना है, मेरे को एफ ओ क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर मैं आपको वी ओ बता दूँ, अगर मैं आपको वी ओ बता दूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यू ओ आ जाएगा. तो एक काम करता हूँ, मैं वी ओ निकालने की कोशिश करता हूँ. ठीक, समझ में आ रहा है? तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो एक काम करते हैं, इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कई लोग कह रहे थे कि एल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो. देखो एल वाला फॉर्मूला तो सबसे एंड में यूज़ करना है, जल्दी जल्दी बिल्कुल यूज़ नहीं करना. अगर आपका नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो एक्यूरेट है, एल वाला तरीका अप्रॉक्सीमेट है, मत करना. आप एक काम करना, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप ना सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आई पीस है अकेले उसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इट एक्ट्स लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप. तो आई पीस की फोकल लेंथ क्या बनेगी? डी बाई एफ ई. कब? नॉर्मल एडजस्टमेंट में. वैसे फॉर्मूला क्या होता है? 1+D/FE. वैसे फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का होता है 1+D/FE, पर क्योंकि उसे नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला हुआ है तो यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और अगर इमेज इन्फिनिटी में बनी हुई है तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला क्लियर है. तो आई आई पीस के लिए, सिर्फ आंख के लेंस के लिए, डी आपको 25 के बना है, एफ ई आपको पता है, तो आई पीस की मैग्नीफिकेशन एम ई आ गया. टोटल मैग्निफिकेशन एम पूरे माइक्रोस्कोप का आपको कितना गिवन है? 30. तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसके अंदर टोटल मैग्निफिकेशन इज व्हाट? एम ओ इंटू एम ई. टोटल मैग्निफिकेशन 30 है, एम ओ इंटू एम ई 5 है, तो यहां से एम ओ आ गया. अब ये चीज देखें, आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पता लग गई एम ओ, आपको फोकल लेंथ पता है ऑब्जेक्टिव की एफ ओ, तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लेना जो आपने फॉर्मूला बनाया था एफ ओ प्लस यू ओ वाला. तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? यू ओ आंसर. तो लेंस फॉर्मूले के लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना, मैग्निफिकेशन पता है, एफ पता है, तो यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर.
कुछ करने, आधा काम तो लेंस की प्रॉब्लम से ठीक हो जाएगा, मैग्निफिकेशन तो एक आध बीच में यूज होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया था, क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स डाउट है। तो इस क्वेश्चन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ गिवन। तो आपको क्या गिवन है एज एन ऑब्जेक्टिव? तो ये क्या गिवन है? एफ ओ गिवन है एंड आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई गिवन है। एफ ई गिवन है, एफ ओ गिवन है। एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 1.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। क्या गिवन है? यू ओ गिवन है। एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो फाइनल इमेज कहां पर बनी हुई है? एट इंफिनिटी। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई पीस। तो मुझे एक बात बताओ, फाइनल इमेज कहां पर बनी हुई है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी के केस में क्या होता था? डायग्राम हमेशा याद रखना है, ये अपनी इमेज यहां बनाता था ऑब्जेक्ट, और ये क्या होती थी इसकी फोकल लेंथ। तभी तो इमेज कहां पर बनती थी? एट इंफिनिट, तभी इंफिनिटी पे बनेगी। तो ये डिस्टेंस क्या होता था? वीओ। तो इसके लिए वीओ, इसके लिए एफ ई, तभी तो इमेज कहां पर बनेगी? एट इंफिनिटी। जब तक आपको रे डायग्राम माइंड में आपने नहीं रखे हुए, आप प्लीज न्यूमेरिकल को सॉल्व भी मत करना। आप अगर सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आपको मुश्किल लगेंगे, आप कर नहीं पाएंगे, पक्की बात है। ठीक, तो रे डायग्राम करने के बाद ही करना है। ठीक, रे डायग्राम पहले देखने हैं, प्रैक्टिस करना है उसके बाद, क्योंकि एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो इमेज जब इन्फिनिटी पे बनती है तो पता होना चाहिए कि टोटल लेंथ क्या बन जाएगी? वी ओ प्लस एफ ई। तो आपको क्या निकालना है? वी ओ प्लस एफ ई निकालना है। क्या है पॉइंट? क्लियर है? अब आपको इस क्वेश्चन में एफ ई तो ऑलरेडी पता ही है, वो तो गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या रह गया? एफ ओ निकालना। एफ ओ के लिए आपको यू ओ पता है, आपको एफ एफ ओ की वैल्यू पता है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? वी ओ, लेंस फॉर्मूला लगा के वी ओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए यू ओ पता है, एफ ओ पता है, तो सॉल्व करके वी ओ, वी ओ आ गया, तो वी ओ प्लस एफ ई क्या आ जाएगा? लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। आंसर ठीक है यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है हो गया। नेक्स्ट 83 के बाद 84 लोगों ने ट्राई किए, 80 ठीक है।
84th में क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, फाइव फॉर्मूला बेस्ड है, सिक्स सर सिक्स में डाउट है। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, क्या गिवन है, एफ ओ गिवन है, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, एफ ई गिवन है, इट इज फोकस्ड ऑन अ स्केल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो टेलीस्कोप को फोकस कर रहे हैं 2 मीटर दूर, 2 मीटर का मतलब ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, तो ये क्या गिवन है, यू ओ गिवन है, तो ऑब्जेक्ट 2 मीटर दूर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी है। फॉर सीइंग विद रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी होता है। फाइंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो टेलीस्कोप के अंदर अगर ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है तो मुझे पता है कि इन्फिनिटी पे बनाना है, तो ये डिस्टेंस क्या है, एफ ओ, ये डिस्टेंस क्या है, एफ ई, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, एफ ओ प्लस एफ ई, ये मुझे निकालना है। मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ तो गिवन है, मुझे क्या निकालना है, आई पीस की फोकल लेंथ निकालनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। आई पीस की फोकल लेंथ के लिए काम करना पड़ेगा आपको एक और तरीका है इसके अंदर, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है और आई पीस की फोकल लेंथ भी गिवन है, रादर ये गिवन है, रादर मुझे एफ वन लिखना चाहिए, मैंने गलत लिखा, मुझे यहाँ पर वी ओ लिखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी ओ, वी ओ क्यों, मैंने पहले एफ ओ क्यों लिखा, क्योंकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट हमेशा ही कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पे, तो मेरे को लगा एफ ओ पे बनेगा, पर यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो कहाँ पर पढ़ा हुआ है, 2 मीटर पे, तो इसलिए यहाँ पर एफ ओ नहीं बनेगा, यहाँ पर वी ओ बनेगा, फर्क आ गया। तो वी ओ और एफ ई, एफ ई तो पता है, वी ओ निकालना है, वी ओ के लिए क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की दूरी पता है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की पता है, लेंस का फॉर्मूला लगा के क्या आ जाएगा, वी ओ, वी ओ आ गया, एफ ई में ऐड करके लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, डन। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, क्योंकि एफ ओ ये तब होता है, 99% केस में एफ ओ ही होता है, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा होता है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एफ ओ पे, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 2 मीटर पे, तो 2 मीटर इन्फिनिटी नहीं है, इसलिए इमेज एफ ओ पे नहीं बनेगी, वी ओ पे बनेगी, ठीक है, तो चेंज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 भी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप गिवन है, एफ ओ गिवन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पता है, एम पता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस निकालना है और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकालना है फॉर रिलैक्स्ड आई। अब इसके अंदर रिलैक्स्ड आई है तो यहाँ पर ये एफ ओ है और यहाँ पर ये एफ ई है, तो आपको टोटल लेंथ निकालना है, एफ ओ प्लस एफ ई, आपको इसमें मैग्नीफिकेशन पता है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को यूज करके इन्फिनिटी का केस है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है इसमें, एफ ओ बाय एफ ई, एम पता है, एफ ओ पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, एफ ई, तो एफ ई भी आ गया, एफ ओ प्लस एफ ई लेंथ की वैल्यू भी आ गई, इन्फिनिटी का केस है। ये क्वेश्चन हमने नहीं किए, ये क्वेश्चन मैंने नीट और मेंस में देखे आते हुए है, एनसीईआरटी का पार्ट, तो प्लीज इसे देख लें, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं हुए हुए, मतलब स्टेटमेंट नहीं है, थ्योरी के अंदर हमने इसको यूज नहीं किया, तो तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आया तो कैसे करना है इसको एक बार देख लें, ट्रिक है, अगर आ गया तो अच्छी बात है। द डायमीटर ऑफ द मून इज गिवन, तो मून, ये मून है, मून का डायमीटर 3500 किलोमीटर जो भी गिवन है, ये रहा डायमीटर, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज गिवन, तो अर्थ से इसकी दूरी गिवन है, तो ये डिस्टेंस 3.8 × 10^5 गिवन है। नेक्स्ट है, ये टेलीस्कोप से देखा जा रहा है, ये आपका टेलीस्कोप है जिसमें एफ ओ और एफ ई दोनों गिवन है, तो इस मून की इमेज यहां कहीं बनेगी जो टेलीस्कोप से देखी जाएगी, राइट, क्लियर है। अब ये चीज देखें कि ऑब्जर्वर भी यहीं पर है, यहां ले एक ही बात है ऑब्जर्वर, क्योंकि मून से दूरी, अगर मून से मैं यहां खड़ा हूं या मैं मून से यहां खड़ा हूं, क्या फर्क पड़ता है, टेलीस्कोप के यहां खड़ा हूं या यहां खड़ा हूं, मून से डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेरा अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेगा। तो जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है, ये ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें मून है, मून ने जो मेरी आंख पे एंगल बनाया वो एल्फा है, ऑब्जेक्ट का एंगल एल्फा है, और जो इमेज बनेगी टेलीस्कोप के अंदर उसके साथ जो एंगल बना वो बीटा है,
तो ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होता है अल्फा, जो आई पे बनता है, और इमेज का एंगल क्या होता है बीटा। अब आपको इस क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट गिवन, इमेज थोड़ी ना, ये तो एक्चुअल मून है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये एक्चुअल दूरी है, तो यहाँ से जो एंगल निकलेगा अल्फा अप्रोक्सीमेट निकलेगा टेन अल्फा, एंगल बहुत छोटा आने वाला है, टेन अल्फा क्या होगा दिस अपॉन दिस, अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अल्फा टेन अल्फा, अगर एंगल छोटे हैं तो टेन अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा। तो अल्फा कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है, इस डायमीटर को इस डिस्टेंस से क्या कर देना है डिवाइड, तो टेन अल्फा से अल्फा आ गया। आपको इस क्वेश्चन में एम ओ एम ई दोनों गिवन है और एफ ओ एफ ई दोनों गिवन है, तो एम की वैल्यू क्या आ गई एफ नॉट बाई एफ ई, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 40। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, इमेज का एंगल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय बीटा, तो आपको बीटा निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई से एम आ गया, एम क्या होता है बीटा बाई एल्फा, आपको क्वेश्चन में एल्फा क्या, बीटा क्या होगा एम इंटू एल्फा, एल्फा निकालना मैंने आपको सिखा दिया, डायमीटर को रेडियस से क्या कर देना है डिवाइड, डिस्टेंस से डिवाइड कर देना, एल्फा आ जाएगा, एल्फा आ गया 40 से मल्टीप्लाई करके बीटा आ जाएगा आंसर। मेथड समझ में आ रहा है करना क्या है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पहले क्या निकलेगा अल्फा, फिर निकलेगी मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन निकलेगी एफ ओ बाई एफ ई से, और मैग्नीफिकेशन क्या होती है बीटा बाई अल्फा, तो अल्फा कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करके बीटा कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहाँ तक, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी है, ऑन सीइंग विद अनएडेड आई द विजुअल एंगल ऑफ मून एट आई इज गिवन, तो मैंने सीधा आंख से मून को देखा तो एंगल गिवन है, तो बोलो ये इमेज है कि ऑब्जेक्ट है, टेलीस्कोप तो यूज ही नहीं किया, ऐसे ही देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को ही देखूंगा, टेलीस्कोप तो आया ही नहीं, मैं तो तब बनेगी जब टेलीस्कोप यूज करूंगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट का एंगल है, सॉल्व करने को भी नहीं कह रहा, सीधा कह रहा है अल्फा ले लो। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस गिवन है, एफ ओ एफ ई गिवन है, वॉट इज विजुअल एंगल ऑन सीइंग थ्रू द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या बनाएगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज, तो इमेज ने क्या एंगल बनाया, क्या निकालना है बीटा, ये तो और भी आसान है। मैग्निफिकेशन क्या होता है एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ पता है एफ ई पता है तो एम पता है, एम क्या होता है बीटा बाई एल्फा, एल्फा पता है एम पता है बीटा, सीधा आ जाएगा बात खत्म, एक स्टेप और कम हो गया इसमें। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मैं अपने तरीके से करूँगा। टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ ऑफ, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ओ पता है, वेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ये इन्फिनिटी का केस नहीं है, ये केस कौन सा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला केस है। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज गिवन, तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। आप ये बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्टिव है और अगर ये आई पीस है तो ये डिस्टेंस तो सबको पता है क्या होता है एफ ओ, लेकिन क्योंकि इन्फिनिटी पे नहीं बनी इमेज तो ये डिस्टेंस क्या होगा यू ई, तो इस क्वेश्चन में एफ ओ और यू ई का सम आपको कितना गिवन है 105। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है, ये गिवन है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा यू ई आ जाएगा, तो यू ई निकाल लिया। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो आई पीस की फोकल लेंथ निकालनी है, आई पीस के लिए इमेज कहां पर बन रही है एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ऑब्जेक्ट आपको बताए, तो लेंस के फॉर्मूले को यूज करके यू कैन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कैन बी कैलकुलेटेड, नहीं इसमें कुछ गलत किया, इसमें डिस्टेंस, ओ सॉरी इन्फिनिटी नहीं, आई एम सॉरी, इसमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बने, तो -25, इन्फिनिटी का केस नहीं है, तो कौन सा केस है लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन का केस है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर का भी यू नहीं होता, हमेशा वी होता है, तो आई पीस के लिए वी पता है, आई पीस के लिए वी ई पता है, 25 हो गया, यू ई हमने निकाल लिया, सॉल्व करके फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो आपको अगर एफ ई की वैल्यू पता लग गई, एफ ओ आपको ऑलरेडी पता है, तो मैग्निफिकेशन जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है तो ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का पुट कर दो आंसर आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन में क्या चाहिए होगा एफ ओ चाहिए, एफ ई चाहिए, डी 25 पता है और एफ ई चाहिए, आपके पास एफ ओ तो है, डी भी है, एफ ई नहीं है, तो आप क्या करेंगे
यहां से यू ई निकाल के पहले एफ ई निकालेंगे, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा। अगर आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डायग्राम नहीं याद किए हुए और आपको दिख नहीं रहा कि यू ई कहां पर है, एफ, आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व। आप जितने मर्जी याद कर लें कर ही पाएंगे, आपके लिए फॉर्मूला बिल्कुल बेकार है। जब आपको क्लियर है कि इन्फिनिटी के केस में एफ ओ और एफ ई होता है और लीज डिस्टेंस के केस में एफ ओ और यू ई होता है, तो आपको पता है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, एफ ओ प्लस यू ई। ठीक, तो पहले थ्योरी याद करनी है, सही तरीके से क्लियर दिखना चाहिए, तो ही इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डाउट है इसमें? पूछिए साइन कन्वेंशन यूज करनी है नहीं करनी। मैं तो कभी यूज की नहीं, सीधा न्यूमेरिकल करता हूं मैं तो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर इमेज तो इन्वर्टेड आती है, तो फिर क्या करें, एंड में लगाना है एम, क्या के नेगेटिव लगा देना माइनस पीस, क्योंकि जितना टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप आपने किया है, सिंपल माइक्रोस्कोप को छोड़ के हर में इन्वर्टेड इमेज तो बनी है, तो मैग्निफिकेशन का क्या ही पुट करना है, वो तो पता है कि उल्टी इमेज ही बनाते हैं, चाहे माइक्रोस्कोप है चाहे टेलीस्कोप है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है माइनस लगा देना आंसर, बात ही सब्जेक्टिव में लिखा जाता है तो लिख देना इन्वर्टेड इमेज बनेगी एंड में, बस इन्वर्टेड लिख देना माइनस 20 पता। मिलता जुलता क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दो किस्म के टेलीस्कोप की है, जिसमें लेंस है और जिसमें मिरर है। लेंस वाले टेलीस्कोप को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं, हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ एफ ओ पता है और साथ में एफ ई भी पता है, एफ ओ एफ ई पता है। द फाइनल इमेज ऑफ द सन 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। देखो इस केस में वो किसे देख रहा है, सन की इमेज को देख रहा है, सन की, सन को नहीं देख रहा, सन का डायमीटर गिवन है, लेकिन सन की क्या बन रही है, फाइनल इमेज। तो यहां से जो एंगल आएगा डायमीटर बाय रेडियस से, वो अल्फा नहीं आएगा, वो क्या आएगा, वो बीटा आएगा, क्योंकि इमेज का एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, जो डायमीटर बाय रेडियस के इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है, बीटा आ गया। तो आप यहां से बीटा निकाल लेना जो कि 10 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा, आ गया बीटा। आपको इस क्वेश्चन में एफ ओ पता है, आपको इस क्वेश्चन में एफ ई पता है, ये दोनों चीजें पता है। आपको क्या निकालना है, व्हाट एंगल डज सन सबटेंड एट द ऑब्जेक्टिव। सन रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका एंगल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय अल्फा। आपको क्या निकालना है, अल्फा। अब क्योंकि इमेज कहां पर बन रही है, लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, इसमें इन्फिनिटी का केस मेंशन ही नहीं किया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ओ बाई एफ ई इंटू वन प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई। आपको इस क्वेश्चन में डी को पुट कर लेना है, कहां पर इमेज कहां पर बन रही है, 24 सेंटीमीटर पे, इमेज 25 पे नहीं है, इमेज 24 पे, 24 है यहां पर लीज डिस्टेंस, तो डी यहां पर 24 है। एफ ओ एफ ई सारा पता है, यहां से क्या जाएगी, मैग्निफिकेशन, जो कि क्या होती है, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। आपको एम यहां से पता लगेगा, बीटा ये रहा, यहां से सॉल्व करके अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड आंसर है।